हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से गूगल प्ले स्टोर में से अपना पेमेंट मेथड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अभी पास्ट टाइम में आप कोई भी पेमेंट वगैरह करे होंगे गूगल प्ले स्टोर से, कोई भी ऐप वगैरह परचेज किए होंगे, या फिर आप यूट्यूब का प्रीमियम वगैरह लिए हैं, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिए हैं, सब्सक्रिप्शन मैथड या फिर आप अपना डेबिट कार्ड या पेमेंट मैथड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर में पेमेंट मैथड में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मैथड मेरे में ऑलरेडी एड है। वीडियो में आपको यही पेमेंट मैथड को मूव करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरे में काफ़ी सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सारा पेमेंट मेथड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि मेरे अकाउंट से बेफिजूल में पैसा नहीं कटे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप ये सारे पेमेंट मेथड को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो शॉर्टबट यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मैंने YouTube का प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करा था अभी 2-4 दिन पहले, तो उसका भी अगले मंथ मेरा ऑटोमेटिकली रिन्यू होने लग जाएगा। क्या अकाउंट से ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाएगा और YouTube अकाउंट का रिन्यू हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे अकाउंट से पेमेंट कटे, तो मैं इस वाले सब्सक्रिप्शन को भी यहां से रिमूव करना चाहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं किस तरह से YouTube का आप सब्सक्रिप्शन भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले रखें तो सब्सक्रिप्शन को आप रिमूव कर पाओगे। साथ ही यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितने भी कार्ड यहाँ पर ऐड कर रखे हो, चाहे UPI ऐड कर रखे हो, सारे पेमेंट मेथड को आप यहाँ पे इजीली रिमूव कर पाओगे। इसके लिए आपको अपना यहाँ जीमेल ओपन कर लेना होगा। इसके बाद आपको उस वाले अकाउंट में जाना है जिस अकाउंट से आपको इस सारे पेमेंट मेथड को रिमूव करना है। जैसे कि मेरे फोन में 2-3 मेल आईडी लॉग इन है, तो मैं उस मेल आईडी को ओपन करूंगा जिसमें से मेरा पेमेंट मेथड रिमूव करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे वो मेल आईडी यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो इस मेल आईडी के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन तो यहाँ गूगल अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमारा गूगल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको स्क्रॉल करना है राइट साइड में। बिल्कुल आपको राइट साइड में जाना है, लास्ट में पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में आने के बाद देखेंगे आपको बहुत सारे अकाउंट देखने को मिलेगा। आप जितने भी अकाउंट यहाँ पे ऐड किए होंगे पेमेंट मेथड, वो सारे पेमेंट मेथड आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है प्लस 4 मोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी मेरे जितने पेमेंट मेथड है वो सारे हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, हमारे मेल आईडी में जितना पेमेंट मेथड ऐड है वो सारा हमें दिखा रहा है। अब एक एक करके इसको हमें रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए क्या करना है, जिसे इसको रिमूव करना है उसके ऊपर हम टैप करेंगे, देन देखिए हम इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, देन हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रिमूव पेमेंट मेथड पर हम क्लिक करेंगे, देन यस कर देंगे। तो हमारा पेमेंट मेथड ये रिमूव हो गया है। इसी तरह से आपको जितने यहाँ पे पेमेंट मेथड उन सारे को ऐसे ही करके रिमूव कर लेना होगा। तो एक एक करके हम सारे पेमेंट मेथड को पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आगे बताऊंगा आप कैसे सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे ही पेमेंट मेथड को यहाँ पर रिमूव कर दिया है और यहाँ से भी हमारा पेमेंट मेथड हट चुका है। अब बस गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस वाला दिख रहा है जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर में होता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। चलिए, हमने इतना तो आपको बता दिया किस तरह से आप पेमेंट मेथड को रिमूव कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे आप सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन आप ले रखें तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। जितने भी ऐप का आप सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे वो सारे सब्सक्रिप्शन आपको इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ, देखिए यहाँ पे यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मैं इसको रिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इसको डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दूंगा। तो इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपको 2 यूट्यूब दिख रहा है, तो आपको ऊपर वाले यूट्यूब पर क्लिक करना होगा। यूट्यूब प्रीमियम पे आपको क्लिक नहीं करना है। यूट्यूब पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए मैनेज सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन खुलकर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सी करेंट सब्सक्रिप्शंस, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए, हम रिमूव वाले बटन पर टैप करेंगे, देन ऑप्शन आ जाएगा रिमूव सब्सक्रिप्शंस। तो हम रिमूव वाले बटन पर क्लिक करेंगे, देन हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा YouTube सब्सक्रिप्शन यहाँ से पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। इसी तरीके से आपके जितने मेल आईडी में पेमेंट मेथड या फिर सब्सक्रिप्शन ऐड है, उन सारे मेल आईडी से आप इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन या फिर पेमेंट मेथड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे एक और मेल आईडी में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा हो, जो कि रिसेंटली है, 5 जुलाई को रिन्यू होने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से उसको रिमूव कर सकते हैं। प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया, देन आप 3 डॉट पर क्लिक करके पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 जुलाई 2023 को ये सब्सक्रिप्शन रिन्यू होने वाला है, तो मैं इसको भी कैंसिल करना चाहता हूँ। तो हम इसके ऊपर टैप करेंगे, टैप करने के बाद देखिए आपको दिखाएगा 5 जुलाई से सब्सक्रिप्शन इतने रुपये आपका अकाउंट से कटने वाला है और 5 अगस्त को फिर आपका 129 पर मंथ रुपये कटेगा। तो ऐसा कुछ हमें डिटेल में बता रहा है। चलिए हमें नहीं कटवाना पैसा, उससे साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंसिल सब्सक्रिप्शन, तो हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए हमने यह कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ डिटेल हमारे सामने लोडिंग होगा, उसके बाद देख सकते हैं आपसे पूछेगा क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। आप कोई भी एक रीज़न आप सिलेक्ट करके कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अदर रीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं अदर पर क्लिक करूँगा। अदर पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद आपसे पूछेगा रीज़न अपना टाइप करिए क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, तो मुझे रीज़न टाइप नहीं करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर कैंसिल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे हम कैंसिल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। आपको दिख रहा होगा YouTube कैंसिल लिखा हुआ है, मतलब हमारा YouTube सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट मंथ से पेमेंट नहीं कटेगा मेरे अकाउंट से। तो कुछ इस तरीके से आप प्ले स्टोर से पेमेंट मेथड या फिर सब्सक्रिप्शन मेथड को रिमूव कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।